उदयाचल जंगल में एक सफेद रंग की कौवा रहती थी। उसे सभी पक्षी गोरी कौवा के नाम से जानते थे। उसने 3 अंडे दिए थे और उसे अपने अंडों में से बच्चों के निकलने का बेसब्री से इंतजार था। गोरी कौवा बोली, मेरे प्यारे प्यारे लाडले बच्चों, अब मुझे सब्र नहीं हो रहा है। तुम जल्दी से जल्दी बाहर आ जाओ। तुम्हारी प्यारी आवाज सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं। जब तुम माँ कहकर बोलोगे तब मेरे कान में जैसे अमृत घोलेगा। एक कोयल गोरी कौवा की बात बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। उसे भी अंडा देना था और वो गोरी कौवा के पास पहुँच गई। बहन, आप बड़ी किस्मत वाली है। अब जल्दी ही आपके अंडों में से प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आएंगे। वे सभी बाहर निकलकर आपका मनोरंजन करेंगे और आपका दिल बहलाएंगे। आपको जब भी बाहर जाना हो, कुछ लाना हो, तो आप मुझे बताइए। मैं आपके अंडों के रक्षा के लिए यहाँ बैठी रहूँगी। गोरी कौवा बोली, कोयल बहन, ये तो तुमने बहुत अपनेपन से भरी हुई बात कही। मुझे एक अच्छा साथ और सहारा मिल गया। अब मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करके कहीं भी जा सकती हूँ। कुछ देर के बाद गोरी कौवा कुछ खाने पीने की तलाश में वहाँ से जाने के लिए तैयार हो गई। उसने कोयल को इशारा किया और अपने पास बुला लिया। कोयल बोली, कौवा बहन, तुम निश्चिंत होकर जाओ, जंगल में घूमकर खाओ, फिर आराम से आओ। मैं यहाँ पे तुम्हारे अंडों की रक्षा करूँगी। गोरी कौवा वहाँ से उड़कर जंगल की तरफ चली गई और कोयल उसके घोंसले में बैठ गई। कोयल ने अच्छा मौका देखकर वहीं पर एक अंडा दे दिया और गोरी कौवा का इंतजार करने लगी। कुछ देर के बाद गोरी कौवा आ गई और उसने कोयल को धन्यवाद देते हुए अपने घोंसले पर नजर डाली तो वो चौंक गई। वहां 3 अंडों की जगह पर 4 अंडे दिखाई पड़े। गोरी कौवा बोली, अरे ये एक अंडा बढ़ कैसे गया? यह ऊपर वाले का चमत्कार है। मैंने इससे पहले भी ऐसे चमत्कार देखे हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम्हें एक चमत्कारी बच्चा मिल गया है। दूसरे ही दिन गोरी कौवा के अंडे से एक काले रंग का बच्चा बाहर निकल आया। गोरी कौवा बोली, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा इस दुनिया में स्वागत है। तुम्हारा नाम सलोना है। अब तुम्हारे बाद दूसरे भी बच्चे आ रहे हैं। इतने में अगले अंडे में से एक सफेद रंग की चूजा बाहर आ गई। गोरी कौवा बोली, आओ प्यारी गुड़िया, आओ खेलो कूदो, मन बहलाओ। इसके बाद फिर से 2 काले रंग के नर और मादा चूजे बाहर आ गए। गोरी कौवा अपने चारों बच्चों को समान रूप से प्यार देने लगी। कोयल भी बीच बीच में आकर बच्चों की देखभाल करती थी। वे चारों बच्चे बड़े होने लगे। उसमें से एक बच्ची जो कोयल थी वो कोयल की तरह दिखने लगी। उसका नाम सुरीली रख दिया गया। वो जैसी ही थी वो अपनी प्यारी सुरीली आवाज सुनाकर सबको खुश कर देती थी। गोरी कौवा उसे भी उतना ही प्यार करती थी जितना कि अन्य बच्चों से करती थी। गोरी कौवा बोली, यह सब परमपिता परमेश्वर की कृपा है। इन प्यारे बच्चों के साथ रहने पर जो आनंद मिलता है वह स्वर्ग सुख से भी बढ़कर है। उसकी आवाज उसकी असली माँ कोयल के भी कानों में पहुंच जाती थी। कोयल अक्सर उड़कर उसके पास आ जाती थी। एक दिन कोयल गोरी कौवा के घोंसले में पहुंची और सुरीली से प्यार करने लगी। सफेद रंग की चूजा गुड़िया सोचने लगी और कोयल से पूछ बैठी। गुड़िया ने कहा, चाची एक बात बताइए कि आप सुरीली से ही बहुत प्यार क्यों करती है? सुरीली की आवाज बहुत प्यारी है, शायद इसीलिए आप उससे प्यार करती है। कोयल इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाई। इतने में वहाँ गोरी कौवा आ गई। गोरी कौवा ने कहा, कोयल बहन, मैं जानती हूँ कि सुरीली आप ही की बेटी है। आपको अपने बच्ची से बहुत प्यार है। आपका इस पर अधिकार है। आप इसे ले जा सकते हैं। मैं जानती हूँ 4th अंडा आप ही का था। कोयल ने कहा, हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। मैं स्वार्थी हूँ, मतलबी और आलसी हूँ। मैंने अपने लिए घोंसला भी नहीं बनाया और अपने अंडों को तुम्हारे पास रख दिया। तुमने इसे पाला, अब तुम्हारा ही अधिकार इस पे है। बहन, तुम्हारा अधिकार सबसे ऊपर है। तुम इसकी वास्तविक माँ हो। सुरीली बिटिया, यही तुम्हारी असली जन्म देने वाली माँ है। इनके साथ जाओ, इन्हें संतान का सुख प्रदान करो। सुरीली बोली, नहीं माँ, मैं तुम्हें छोड़कर किसी के पास भी नहीं जाऊंगी। मेरी असली माँ तुम ही हो।
मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। यह चाची हमारे पास घोंसला बनाकर रह सकती है, लेकिन मैं तुम्हारे घोंसले में ही रहूंगी। गोरी कौवा बोली, हाँ बहन, यही पास में ही घोंसला बना लो और सभी बच्चों का ध्यान रखो। कोयल ने आलस का त्याग कर अपने लिए एक अच्छा सा घोंसला बनाया। गोरी कौवा और बच्चों ने भी उसकी मदद की। उसके अपने अंडे से भी बच्चे हुए और वे अपनी सुरीली आवाज से आसपास आनंदमय वातावरण बना देते थे। गोरी कौवा सभी बच्चों पर प्यार और ममता लुटा रही थी। कोयल गोरी कौवा की भावना, ममता और उपकार को कभी नहीं भूल पाई। गंगा नदी के किनारे एक प्यारा सा तोता रोज उड़कर आता, गंगा मैया का पानी पीता और बड़ी देर तक बैठा रहता था। वहीं पास में एक पंडित जी ने अपना तंबू गाड़ रखा था। वो पूजा कराते और चंदन लगाते थे और उसके बदले में कुछ दक्षिणा पा जाते थे। वो रोज उस तोते को देखते और उनके मन में प्रश्न उठता था कि ये तोता यहाँ रोज क्यों आता है। पंडित जी ने अपने झोले से एक अमरुद निकाला और तोते को दिखाकर रख दिया। तोता धीरे धीरे आया और अमरुद खाने लगा। अरे तोते, तुम रोज आते हो, गंगा जल पीते हो और कुछ देर बैठकर चले जाते हो, क्या इसके पीछे कोई कारण है? तोता बोला, हाँ पंडित जी, इसके पीछे कारण है, मैं आपको बताता हूँ। पिछले जन्म में मैं एक ब्राह्मण का बेटा था, मेरा नाम गंगाराम था। मेरा एक छोटा भाई, उसका नाम जमुना प्रसाद था। एक बार हम दोनों गंगा नदी के इसी घाट पे नहा रहे थे। मेरा भाई जमुना मेरे रोकने के बावजूद भी गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। तेज धारा में तेजी से बहता चला जा रहा था। मुझे भी ठीक से तैरना नहीं आता था। मैं उसे बचाने के लिए गुहार लगाता रहा, लेकिन उस समय उसे बचाने वाला कोई नहीं था। इसके बाद भाई का कहीं भी पता नहीं चला, वह मुझसे हमेशा के लिए जुदा हो गया। गंगाराम, तुम्हें अपने पिछले जन्म की बातें कैसे याद रहती हैं? पंडित जी, मैं एक बड़े ज्ञाता साधु के सानिध्य में रहता था। वे ना बड़े तपस्वी और ज्ञानी थे। मैं उनके बगीचे में रहता और उनकी ज्ञान से भरी बातें सुनता। उनके साथ रहते रहते मैंने बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया। अचानक मुझे अपने पिछले जन्म की बातें याद आ गईं। मुझ में कुछ शक्तियाँ भी आ गईं। मैं इतना तो जान गया था कि पिछले जन्म की बहुत सारी बातें तो मुझे याद आ गई हैं। लेकिन इस जन्म में मेरा भाई जमुना कहाँ है, क्या अभी तक मुझे ज्ञात नहीं हुआ। मैं गंगा माँ के किनारे बैठकर उसे रोज प्रार्थना करता हूँ कि मुझे मेरे भाई से मिला दे। पंडित जी तोता गंगाराम की बातें सुनकर विचार करने लगे। उन्होंने अपने जीवन में इस तरह की बातें सुनी थी, लेकिन प्रत्यक्ष एक तोते से ये जानकारी मिलने के बाद वो सोच में पड़ गए। तोता गंगाराम और पंडित जी में खूब पटने लगी और गंगाराम जब भी गंगा किनारे आता तो पंडित जी से मिलता और अमृत भी खाता। कभी कभी तो वो खुद अमृत पंडित जी के लिए लेकर आता। पंडित जी ने कहा, अरे गंगाराम, तुम मेरे लिए अमृत क्यों लाते हो? मुझे तो प्रसाद के स्वरूप मिल ही जाता है, वो मैं तुम्हें खिला देता हूँ। पंडित जी, हिसाब बराबर का होना चाहिए। कभी आपने अमरुद खिलाया, कभी मैंने खिला दिया। आपने प्रसाद में दिया और मैंने पेट से तोड़ लिया। एक दिन पंडित जी का 8-10 साल का लड़का भागीरथी गंगा किनारे पंडित जी के पास आ गया। बाबूजी, घर में आटा और दाल दोनों खत्म हो चुके हैं। मैंने तो नमक चावल खाया और ये देखिए आपके लिए भी लाया हूँ। मेरी कमीज बहुत पुरानी हो गई है, दिवाली आ रही है, नए कपड़े सिलवा दो ना। ठीक है बेटा, कुछ दिन तक रुक जाओ, किसी जजमान ने कपड़े दे दिए तो उसी कपड़े की कमीज सिलवा लूंगा। आजकल जजमान भी कम होते जा रहे हैं, लोग गंगा मैया में नहा रहे हैं लेकिन हमें भूल जा रहे हैं। पंडित जी, अब आप चिंता मत करिए, अब आपको सारे जजमान याद करेंगे और यहीं आएंगे। आपको अच्छी खासी दक्षिणा भी मिलेगी और जिंदगी अच्छे से कटेगी। गंगाराम, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, काश ऐसा होता तो मेरी गरीबी दूर हो जाती, एक बिटिया है उसकी शादी हो जाती। गंगाराम बोला, पंडित जी वह दिन जल्द ही आएगा,
जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके बेटे भागीरथी को देख कर ना मुझे बड़ा अलग सा अनुभव हुआ है। मेरे खून में एक लहर सी दौड़ गई है। बड़ा होनहार बालक है। गंगाराम, ये गंगा मैया की ही तो देन है। एक बार गंगा मैया में बहुत बाढ़ आ गई, बहुत से लोग बेघर हो गए, कई लोगों की जाने भी चली गई, कई लोग अपनों से बिछड़ गए। एक छोटा सा 6 महीने का बच्चा एक लकड़ी पर बहता हुआ मुझे दिखाई दिया। वो रो रहा था, मुझसे देखा नहीं गया और मैंने उसे जाकर उठा लिया। मैंने चारों तरफ पूछताछ की लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। तब मैंने उसे अपने ही घर में रख लिया, अपना बेटा बना लिया। मेरी धर्म पत्नी ने भी उसे सीने से लगा लिया और अपना लिया। कभी कभी मुझे बहुत दुख होता है कि गरीबी के कारण मैं उसका ठीक से लालन पालन नहीं कर पा रहा हूँ। वो किसी बड़े घर का लड़का है और उसकी किस्मत में गरीबी आ गई। गंगाराम बोला, पंडित जी सब ठीक हो जाएगा, गंगा मैया की कृपा से आपके दिन भी लौट आएंगे। और दूसरे दिन गंगाराम अपनी चोच में एक मोती लेकर पंडित जी के सामने हाजिर हो गया। गंगाराम बोला, पंडित जी यह मोती संभाल कर रख लीजिए, आपकी जिंदगी में यह बड़ा परिवर्तन ला सकता है। पंडित जी ने जैसे ही मोती अपनी जेब में रखा, एक अमीर जजमान उनके सामने आ गया। पंडित जी ने उसे कथा सुनाई और उससे बड़ी अच्छी दक्षिणा पाई। इसके बाद कई जजमान आने लगे और पंडित जी को बहुत अच्छी अच्छी दक्षिणा मिलने लगी। उन्हें स्वर्ण और चांदी का भी दान मिला। धीरे धीरे उनकी स्थिति बहुत अच्छी हो गई। अच्छा घर, अच्छा सामान, अच्छे कपड़े, सब कुछ अच्छे ढंग से चलने लगा। जीवन का रंग अच्छे ढंग से बदलने लगा। गंगाराम, तुम तो जादूगर निकले, बहुत बड़े भविष्यवक्ता भी हो। जैसा कहा वैसा ही हुआ। तुम हमेशा मेरे साथ रहना, तुम्हारा साथ पाकर मैं परम भाग्यशाली बन गया हूँ। एक दिन पंडित जी का लड़का भागीरथी गंगा किनारे आया और नहाने के लिए उतर गया। वो आगे जा ही रहा था लेकिन गंगाराम उसे रोक रहा था। भागीरथी नहीं माना और आगे चला गया। पानी गहरा था, वो डूबने लगा। पंडित जी चिल्लाए, अरे बाप रे, मेरे बच्चे को बचाओ, वो डूब रहा है। गंगाराम की आंखों से रोशनी निकली और बच्चे पर पड़ गई। गंगाराम बोला, हे गंगा मैया, मेरे भाई को बचा लो, अब दोबारा मैं इसे डूबते हुए नहीं देख सकता। भले ही मेरे प्राण ले लो परंतु इसे बचा लो। अचानक चमत्कार हुआ। भागीरथ पानी के ऊपर से बड़े आराम से गंगाराम की तरफ आने लगा, जैसे उसे कोई अपनी गोद में लेकर आ रहा हो। पंडित जी भी अद्भुत नजारा देखकर आश्चर्य में पड़ गए। खुशी के मारे उनसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। वो आगे बढ़े और उन्होंने भागीरथी को उठाकर कलेजे से लगा लिया। गंगाराम बोला, बहुत बहुत धन्यवाद गंगा मैया, जो आपने मेरे भाई को बचा लिया। पंडित जी, यही भागीरथी मेरा पिछले जन्म का भाई है, मेरा जमुना, मेरा राज दुलारा, मेरी आँखों का तारा है। इस जन्म में भागीरथी बनकर आपकी दुनिया आबाद करने चला आया है। पंडित जी बोले, गंगाराम तुम भी मेरे बेटे बन जाओ। आज से मेरे दो दो बेटे हैं और एक बेटी, हम सब अब साथ साथ रहेंगे। गंगा मैया में डुबकी लगाने का बहुत बड़ा फायदा हुआ, मुझे एक जादूगर प्यारा भैया मिल गया। सभी लोग हंसने लगे, मुस्कुराने लगे और खुशियां मनाने लगे। एक बड़ी नदी के किनारे एक वृक्ष पर कई प्रकार के पक्षी रहते थे। उनके बीच में एक सारस और एक कौवा भी रहते थे। सारस नेक, परोपकारी, परिश्रमी और दयालु था, परंतु कौवा बहुत ही स्वार्थी, दुष्ट, आलसी और निर्दयी था। वो अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर दिन भर इधर उधर घूमता रहता था। सारस हर किसी की मदद करता था, सबके संपर्क में रहता था। एक दिन कोयल उड़कर सारस के पास आ गई। सारस भैया, मेरे एक बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, जरा देख लेते तो अच्छा होता। चलो छोटे चुन्नू को देख लेता हूँ, कल तक बहुत हंस खेल रहा था। सारस कोयल के बच्चे के पास पहुंच गया और उससे पूछने लगा, क्या हुआ चुन्नू, बहुत चुपचाप बैठे हो? रुक जाओ, अभी मैं औषधि लाता हूँ, तुम्हें खिलाता हूँ, तुम उछलने लगोगे। सारस वहां से तुरंत उड़ा और पास जंगल में जाकर जड़ी बूटी लेकर कोयल के घोंसले के पास आ गया। उसने कोयल के बच्चे को जड़ी बूटी खिलाई। सारस बोला, तुम तो एकदम बहादुर बच्चे हो, अब दवा पी जाओ, बीमारी भाग जाएगी।
सारस की बात सुनकर चुन्नू भैया मुस्कुराने लगे। एक दिन कौवा कहीं दूर चला गया था। सारस वहीं पर पेड़ के पास बैठा था। एक बाज कहीं से उड़ते हुए आया और उसी पेड़ पर बैठ गया। उसने देखा कि कौवे के घोंसले में कौवा है ही नहीं। दो बच्चे उदास होकर बैठे थे। बाज उनके पास गया और उन्हें डराने लगा। बच्चे उससे डरकर चिल्लाने लगे, तुम यहाँ से चले जाओ, सारस काका हमें बचाओ, यह बाज हमें मार देगा। सारस झट से उड़कर कौवे के घोंसले के पास पहुंच गया और बोला, डरो नहीं बच्चों, मैं आ रहा हूँ, अभी इस बाज की खबर लेता हूँ। उसने बाज को भी ललकारा, ए बाज, यहाँ से चला जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हे सारस, तू दूसरों के बच्चों के लिए मुझसे दुश्मनी मत ले, बीच में मत आ। यहाँ हम सारे पंछी एक परिवार की तरह रहते हैं, एक दूसरे के साथ सुख दुख साझा करते हैं, कोई भी बाहरी पंछी हमारी एकता को भंग नहीं कर सकता। बाज ने जब सारस के तीखे तेवर देखे तो भागने में ही भलाई समझी। दोनों बच्चे उसे उड़कर जाते हुए देखकर बहुत ही खुश हो गए। इतने में तेज तूफान आ गया और कुछ देर में पानी बरसने लगा। सब पक्षी अपने अपने घोंसले में छिप गए। कौवा अभी भी नहीं आया था। उसके बच्चे फिर डरने लगे। बरसात तेज हो चुकी थी। कौवा का घोंसला सही स्थान पर ना होने के कारण उस पर बरसात का पानी टपक रहा था। दोनों बच्चे ठंड से ठिठुर गए थे। सारस को उनकी चिंता हो रही थी। वो उड़कर कौवे के घोंसले के पास पहुंच गया। कौवे का बच्चा बोला, काका, टपकते पानी और बौछार से हम भीग रहे हैं, हमें ठंड भी लग रही है। सारस बोला, बच्चों फिक्र मत करो, मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। सारस ने कौवे के घोंसले को सही किया और उसके ऊपर पेड़ की डाल पर कुछ बड़े पत्ते भी रख दिए। इस तरह से दोनों बच्चों की बरसात से पूरी तरह से सुरक्षा हो गई और इसके बाद सारस वहां से चला गया। कुछ देर के बाद कौवा आ गया। कौवे के बच्चे ने सारी बात बताई। कौवा भाई, बड़ी देर के बाद आए आप, क्या आपको अपने बच्चों की फिक्र नहीं है? मैं अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखता हूँ, मुझे सिखाओ मत, मैं सभी पक्षियों में सबसे ज्यादा चालाक हूँ। मैं जानता हूँ कि आप बुद्धिमान हैं, चालाक हैं, लेकिन मैं आपके बच्चों के भले के लिए ही तो कह रहा हूँ। मैं अपने बच्चों के भले के बारे में तुमसे ज्यादा सोचता हूँ। कौवे की ये बात सुनकर सारस शांत हो गया। एक कोयल उसके पास उड़कर आई। सारस भाई, आप कितने नेक हैं, आपने कौवे की भले की बात कही, लेकिन वह दुष्ट आपका ही अपमान करता रहा, इस दुष्ट को समझाना व्यर्थ है। मैंने अपना काम किया और उसने उसका काम किया, भगवान उसे अच्छी बुद्धि दे। सभी पक्षी सारस के गुणों के कारण उसका बहुत सम्मान करते थे। कौवे का स्वभाव सभी जानते थे, इसलिए उससे कोई ज्यादा संबंध नहीं रखता था। सभी पक्षी सारस को बहुत आदर भाव से बुलाते थे। कौवे को सारस से बड़ी जलन होने लगी। जेठ महीने की दोपहरी में गर्मी बहुत अधिक बढ़ गई थी। एक गोरिल्ला थका हारा आया और उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने कुछ फल भी खाए और आराम करने के लिए उस विशाल वृक्ष के नीचे आकर लेट गया। सारस ने देखा कि तेज धूप पेड़ से छनकर सीधे उस गोरिल्ले के मुंह पर पड़ रही थी। सारस ने अपने मन में सोचा कि ये कड़ी धूप इस गोरिल्ले की नींद में विघ्न डाल सकती है, बेचारा थका हारा सोया हुआ है, इसलिए मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। सारस को एक तरकीब सूझी और वो पेड़ की डाल पर चढ़ गया। वो उस स्थान पर बैठ गया जहां से धूप पत्तियों के बीच से गोरिल्ले के मुंह पर आ रही थी। सारस ने अपने दोनों पंख फैला लिए और धूप को गोरिल्ले तक पहुंचने से रोक दिया। गोरिल्ला बड़े आराम से सो रहा था और सारस पंख फैलाए उसकी सुरक्षा कर रहा था। कौवा कहीं से भटकते हुए वहां पर पहुंच गया। उसने जब ये दृश्य देखा तो उसके शैतानी दिमाग में एक विचार आ गया। वो सोचने लगा कि ये सारस हमेशा अच्छा पक्षी बना रहता है, आज मैं कुछ ऐसा करूं कि इसका बेड़ा गर्क हो जाए। कौवा उड़ा और उसने जाकर गोरिल्ले के मुख पर बीट करके उड़ गया। गोरिल्ला नींद से जाग उठा। अपने मुख की दुर्दशा देखकर वो गुस्से से लाल हो गया। अरे किस दुष्ट पक्षी ने ऐसी हरकत की, अगर वो मेरे हाथ लग गया तो आज उसकी खैर नहीं। गोरिल्ले ने पेड़ के ऊपर नजर दौड़ाई। सारस पंख फैलाए हुए बैठा था। गोरिल्ले ने सोचा कि ये करतूत इसी सारस की है। गोरिल्ला पेड़ पर चढ़ा
और उसने सारस का गला पकड़कर उसे दबोच लिया। सारस कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। आज मैं तुझे खत्म कर दूंगा। कोयल ने जब ये दृश्य देखा तो वो झट से उड़कर आ गई। कुरिल्ला भाई रुक जाओ, सारस निर्दोष है। एक दुष्ट कौवे ने आपके मुंह पे बीट की है। यह तो बेचारा आपको धूप से बचा रहा था। आपके चेहरे पे धूप ना आए इसलिए पंख फैला के बैठा था। गुरिल्ला ने झट से सारस की गर्दन छोड़ दी। कोयल बहन, बहुत अच्छा हुआ जो तुमने मुझे ये सच्चाई बता दी, वरना आज मुझसे एक निर्दोष और नेक पक्षी का कत्ल हो जाता। हे सारस भाई, मुझे क्षमा कर दो। हे दुष्ट कौवे, रुक जा, आज तेरा आखिरी दिन आ गया है। अब तुझे इस जंगल में कोई सम्मान नहीं मिलेगा। मेरे हाथ मिल गया तो सीधे शमशान मिलेगा। कौवा उड़कर इधर उधर उड़ता रहा। हर पक्षी ने उसका बहिष्कार कर दिया। सज्जन कभी अपनी सज्जनता नहीं छोड़ते और दुष्ट अपनी गंदी करतूतों से कभी बाज नहीं आते। सज्जन व्यक्ति को अपने व्यवहार और कर्म से समाज में सम्मान और यश मिलता है और दुष्ट से सभी घृणा करते हैं।